तो दोस्तों हमारे कबूतर यहाँ पे फ्लाइंग करते हुए फिर रहे हैं, क्योंकि इनकी एक वजह है इसलिए ये बाहर फिर रहे हैं। और रैबिट्स हमारे यहाँ पर ही हैं, वो कैरेट्स खा रहे हैं। मुर्गियों को हम लोगों ने सुबह ही खोल दिया था और बाहर फिर रही हैं। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार हम लोग आ गए हैं शेड पे और आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे कबूतरों ने माशाल्लाह से आज गुड न्यूज़ यही है कि हमारे कबूतरों ने अंडा दे दिया। कबूतरी ने अंडा दिया, सॉरी कबूतरों ने, हमारा जो सा उड़ने वाले कबूतर थे उस जोड़े ने अंडा दे दिया है। दोबारा से एक अंडा दे दिया, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले जो अंडे दिए थे उस अंडों पे तो वो बैठी ही नहीं थी और वो अंडे ख़राब कर दिए थे, वो हमने उठा के फेंक दिए थे। तो दूसरे अंडे उसने दोबारा से अंडे दे दिए, ब्रीड स्टार्ट कर दिया, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और सबसे पहले ये दिखाता हूँ कि कल हम लोगों ने यहाँ पर केज का काम कर दिया था कम्प्लीट, और माशाल्लाह से एक साइड का हमने पोर्शन कम्प्लीट कर दिया, दूसरी साइड से अभी हमारा ये रहता है। तो अभी हम लोगों ने इसको दरवाजे को इसलिए नहीं लगाया क्योंकि सर्दियाँ और गंद वगैरह हम लोग को रैबिट्स के लिए, मुर्गियों के लिए, खरगोशों के लिए यहाँ पे ही फेंकते हैं। इस वजह से अभी तक ये देखें गाजरों का जो सा होता है छिलका, उसको हम लोग यहाँ पर ला के फेंक देते हैं। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर अभी दरवाज़ा नहीं लगाया, क्योंकि दरवाज़ा लगाएंगे फिर हमें मुर्गियाँ बंद करनी पड़ेंगी और दरवाज़ा खोल कर रखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि अभी ऊपर से कवर नहीं है कंप्लीट। तो मैंने कहा दरवाज़ा लगा देंगे तो ऊपर से कंप्लीट नहीं होगा तो फ़ायदा कोई नहीं है, अभी पहले ऊपर से कंप्लीट करके इंशाल्लाह फिर दरवाज़ा लगवा देंगे। दरवाज़े का फ्रेम तैयार करना है अभी, और फिर मैं दूसरा आपको दिखा दूं कि हमारी मुर्गियों ने भी माशाल्लाह से अंडे देना स्टार्ट कर दिया। ये देखें एक कबूतर यहाँ फिर रहा है और एक पेड़ हम लोगों ने यहाँ बैठा हुआ ओपन। हमारी मुर्गियाँ माशाल्लाह से अंडे देना स्टार्ट कर दिया, ये देखें देसी अंडे माशाल्लाह से डेली के दो अंडे हमें मिल रहे होते हैं। मुर्गे भी हमारे पास दो हैं और मुर्गियां हमारे पास तीन हैं, और ये वाली ब्लैक वाली ब्लैक की जौन सी है मुर्गी, ये अभी अंडे नहीं दे रही, इसको पता नहीं क्या मसला है। इसको हमने फ़िश ऑयल और मछली फ़िश ऑयल और एवियन कैप्सूल हमने खिलाया, तो इंशाल्लाह फीड भी हम लोग खिला रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी देने लग पड़ेगी अंडे, क्योंकि क्रॉस तो कर रही होती है मुर्गियों के साथ ये मुर्गे। माशाल्लाह से दो मुर्गे हैं, एक मुर्गा मैंने आप लोगों को बताया था वो मुर्गा हमारा एक्सपायर हो गया, वो यहाँ से छलांग मार के चला गया था नीचे और वो डोगरे पकड़ के खा लिया। और रैबिट्स हमारे माशाल्लाह से दो ही हैं, दो फीमेल हैं ये, इंशाल्लाह इनके साथ की भी फीमेल मेल लेके आऊँगा और ये भी हमारे जल्दी से बच्चे देंगे। तो आप लोगों को दिखाता चलूँ कि यहाँ पर अभी मैंने इनको कवर किया, ये देखें माशाल्लाह से इसको हम लोगों ने प्लास्टिक से कवर किया हुआ। तो ये फ़ीमेल हमारी अंडा कबूतरों से डर रही थी, हमसे भी डर रही थी। तो ये देखें ये पेयर है हमारे पास, दूसरे कबूतर जाते थे इसको तंग करते थे, ये माशाल्लाह से इसने अंडा दे दिया। और ये भी पेयर है, पूरा कंप्लीट पेयर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इसने अंडा दे दिया। यहाँ पे वो माशाल्लाह से बैठी रहेगी और अभी हम दरवाज़ा इसको बंद कर देते हैं यहाँ पे, ताकि ये इजीली यहाँ पे बैठे और इसके पास कोई भी ना आए, क्योंकि अगर इसके पास कोई आएगा तो ये अंडे पे नहीं बैठेगी। तो हमारी कोशिश यही होगी कि इसको कवर करके रखें, सर्दी से भी बचे रहेगा और कबूतर भी नहीं बैठेंगे। आज कबूतरों को हम लोग यहाँ पर ओपन ही बिठा के रखेंगे या फिर वो पिंजरा उठा के इसके ऊपर रखेंगे और फिर इनमें कबूतरों को बंद करेंगे। इसको पिंजरे केज के कबूतरों को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इसके पास कोई भी नहीं जाएगा, फिर ये अपने अंडे पे बैठेगी, वरना ये डरने की वजह से अंडे पे नहीं बैठ रही है। और अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ शेड के अंदर, एवरी के अंदर, और ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इंशाल्लाह, चलते हैं अभी। तो दोस्तों शाम का टाइम हो गया और माशाल्लाह से सूरज देखें वहाँ पर ग्रूब हो रहा है, और अभी हमारी मुर्गियां कबूतर और खरगोश को बंद करने का टाइम हो गया। तो पहले शेड पे जाने से पहले मैंने आपको दिखाता चलूं कि पहले इनको बंद कर देते हैं और लाइट ऑन करके फिर हम लोग शेड पे जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हमने क्या किया, कबूतर हमने बंद कर दिए यहाँ पे, तीन पीस हम लोगों ने यहाँ पर बंद किए, ये देखे माशाल्लाह से कबूतर हमने किए हैं यहाँ पर बंद, नज़र नहीं आ रहे होंगे, मैं फ्लैश लाइट ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये माशाल्लाह से हम लोगों ने कबूतर यहाँ पे बंद किए हैं, तीन कबूतर, ये देखिए अब नज़र आ रहे होंगे क्लियर। और ब्रीडर पेयर जोन सा वो देखिए यहाँ पे बंद किया हुआ है और ये अंडा दिया हुआ है, अभी यहाँ पे बैठी थी तो हमारे डिस्टर्ब होने की वजह से हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार, तो ये यहाँ पर आके बैठ गए। तो यहाँ पर हम लोग इसको बंद कर देते हैं यहाँ से। अभी फ़िलहाल जो मुर्गियाँ हैं जो वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये देखें,
तो वो खुद ब खुद ही अपने अंडे पे बैठना स्टार्ट कर देते हैं। शाम के टाइम यहाँ पे परिंदे आके बैठते हैं। तो ये दरख्त हमने इसलिए लगाया था, यहाँ पे देखें वहाँ पे सनसेट हो रहा है और यहाँ पे माशाल्लाह से बर्ड्स आके बैठना स्टार्ट कर देते हैं शाम को। और मुर्गियाँ हमारी यहाँ पे बैठी हुई हैं अभी, तो ये खरगोशों को भी इंशाल्लाह यहाँ पे बंद करेंगे और ये ग्रीन शीट नीचे करना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि ये इनको पता लगे कि हम लोग शाम का टाइम हो रहा है और ये अपने केजेस में चले जाएंगे। आज माशाल्लाह से धूप निकली थी, ये देखें दोनों ग्रीन शीट हमने नीचे कर दी हैं। वो तीसरी भी हम लोग इस स्टिक की मदद से ग्रीन शीट नीचे करेंगे। माशाल्लाह अब इसको रखते हैं यहाँ पे और इसको डोरी को हम खोल देते हैं। तो ये ऐसे ओपन कर देते हैं यहाँ से, ये देखें यहाँ से ये कवर हो जाता है। बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ, तो माशाल्लाह से कुछ इस तरीके से हमारा ये शेड शाम के टाइम कवर हो जाता है और मुर्गियाँ खरगोश और कबूतर हमारे अंदर हो जाते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही सर्दी कम होती है तो इंशाल्लाह हम लोग नए बर्ड्स भी लेके आएंगे, कबूतर भी लेके आएंगे और मुर्गियाँ भी लेके आनी हैं। तो इंशाल्लाह अब मैं शाम को अभी चल के आपको शेड दिखाता हूँ लाइट ऑन करके। तो दोस्तों रात का टाइम हो गया और हम लोग आए हैं शेड पे आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पे अंधेरा हो गया है शेड पे और हम लोगों ने अपने मुर्गियाँ वहाँ पर बिठाई हुई हैं। हमने मुर्गियाँ नहीं बंद की और हमारे जो कबूतर हैं उनको हमने बंद कर दिया, गरमाइश में रख दिया। हम ले के आए थे कैल्शियम के चॉक, ये देखें ये मैं ज़्यादा ही ले जाता हूँ क्योंकि बर्ड ज़्यादा हैं तो हमारे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये अभी मैंने चेयर पे रखे हुए थे, इसके अंदर है गंदम। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें से तीन पीस निकाल के ले के चलते हैं अंदर और बाकी हम रख देते हैं यहाँ पे। इन तीन पीस से कैल्शियम के जो चौक हैं बर्ड्स की कैल्शियम पूरी करते हैं वो हम लोग बर्ड्स को भी डालेंगे। तो यहाँ से ही खोलते हैं इसको, ये देखें लाइट ऑन हो गई हमारे बर्ड्स की और अभी हम लोगों ने इनको गंदम वगैरह डाल दिया और फ्रेश पानी। ये रखते हैं यहाँ पे कैल्शियम का चौक। दोस्तों आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखें हमारे बर्ड्स माशाल्लाह से टेम्परेचर मेंटेन है, 18 टेम्परेचर है, हीटर चल रहा है और लाइट भी ऑन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बर्ड्स हैं बहुत एक्टिव और हेल्दी अंदर स्मूथ ही टेम्परेचर मेंटेन में होने की वजह से अंदर ही बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा चलें आपको लोगों को दिखा दें, रात के टाइम हमारा ये व्यू होता है एवरी पे और बर्ड हमारे साइज रात लाइट की वजह से बैठ रहते हैं। अभी हम क्या करते हैं हम लोग कैल्शियम के चॉक्स जो हम कैल्शियम के चॉक हैं इनको ओपन करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं इनकी। और एक कैल्शियम का जो चॉक है इसको हम रखते हैं लव बर्ड्स की केज के अंदर, ये हमारे फिशर्स हैं इनके केज में रखते हैं ताकि ये खाते रहें आराम से। और दूसरा अभी हमने दरवाज़ा खोला है और ये देखें बाहर से ठंडी हवा आ रही है। और दूसरे को हम लोग क्या करते हैं यहाँ से निकालते हैं और बजरीज की कॉलोनी में रख देते हैं, इसके अंदर यूं फेंक देते हैं ताकि बजरीज भी खाते रहेंगे आराम से। और तीसरे को क्या करते हैं तीसरा हम लोग ओपन एवरी में रखेंगे ताकि हमारे ये लव बर्ड्स हैं कॉकटेल हैं ये भी आराम से खा सकें।
वैसे ये इतनी अच्छे वाले कैल्शियम नहीं है, नॉर्मल ही है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके अंदर दाने के अंदर रखते हैं और इनको हम लोग यहाँ पे वेस्ट करते हैं, जाते हुए बाहर ले लेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को दिखाना था हमारे पास माशाल्लाह से ये ब्लू मार्क्स का एक बेबी आया हुआ है, बाकी जो बेबी हैं वो अंदर हैं और लटीनों ने भी अंडे दे दिए इस वाले पेयर ने भी, और ये लटीनों ने बॉक्स की नेस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया माशाल्लाह से। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो यहाँ तक थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक मैं मिलेगा, अल्लाह हाफिज़।